तो ऑल राइट गाइस, अब वी बैच अच्छा है या बुरा गाइस, आप लोग को तो अच्छा ही लगता है, बट अगर मैं आप लोग को बोलूं कुछ ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं जिनकी आईडी में वी बैच लगते हैं, साथ ही जो उनका यूट्यूब चैनल है वो पूरी तरीके से डिलीट हो गया या फिर बर्बाद हो गया है। एंड इसी के साथ ज्ञान गेमिंग, टोटल गेमिंग एंड एएस गेमिंग, इनके अकाउंट में गाइस कभी वी बैच क्यों नहीं लगा है? एंड अभी भी आप सर्च करोगे तो इनके अकाउंट में वी बैच आपको नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे का क्या चीज है, क्या सीक्रेट है गाइस, वो चीज आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। गाइस फ्री फायर में वी बैच एक ऐसी चीज है जिसको लेकर सब लोग बहुत ज्यादा मरते हैं, सब लोग को वी बैच बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है, बट वी बैच के पीछे की रियलिटी बहुत ही कम लोग जानते हैं एंड आप लोगों को गाइस जल्दी पता चल जाएगा। गाइस अगर किसी बंदे पे वी बैच होता है तो गाइस फ्री फायर की ऑडियंस उसको ज्यादा वैल्यू देती है, ज्यादा रिस्पेक्ट देती है एज कम्पेयर टू अदर। अगर मेरे अकाउंट में वी बैच नहीं है एंड वही दूसरा बंदा मेरे ग्रुप में खड़ा है जिसके पास वी बैच है पर उसके सब्सक्राइबर्स मुझसे काफी ज्यादा कम हो, उसके गाइस व्यूज भी मुझसे बहुत ही ज्यादा कम आते हो, फिर भी गाइस जो ऑडियंस रहेगी ना वो उसको ही ज्यादा वैल्यू देगी जिसके पास वी बैच लगा होगा, भले ही वो उसको ना जाने बट फिर भी वो लोग बिग फैन बोलेंगे, रिक्वेस्ट ले लो ऐसा बोलते ही है। ये नॉर्मल सी बात है, हर किसी को ये बात पता ही है। तो देखो यार वी बैच कैसे मिलता है, वी बैच किसी को भी मिल सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ यूट्यूबर लोग को ही वी बैच मिलता है, वी बैच आप लोग को भी मिल सकता है, पर उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अगर कुछ चीज अचीव करना है तो मेहनत देखो सब जगह में लगती है। तो देखो वी बैच कैसे कैसे मिलता है, सबसे पहले गाइस वी बैच यूट्यूब के जरिए मिल सकता है, या फिर फेसबुक के जरिए मिल सकता है, या फिर भूया के जरिए मिल सकता है। तो देखो ये तीन बेसिक प्लेटफॉर्म है जहाँ से वी बैच किसी को भी मिल सकता है, पर शर्त है कि यहाँ पे आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स या फिर फॉलोअर्स रहे, और जिनके यहाँ पे अच्छे खासे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स अचीव हो भी गए उसके बाद वी बैच लेने का क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बता। फिर गाइस आपको क्रोम या फिर किसी अदर वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे गाइस आपको लिखना है फ्री फायर पार्टनर प्रोग्राम, इतना सा लिखने के बाद सबसे टॉप पे जो आपका आएगा ना यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर आप राइट साइड देखो मिडल पे यहाँ पे अप्लाई के लिए कुछ लिखा है गाइस, यहाँ पे आप गाइस जैसे क्लिक करोगे तो गाइस फॉर्म आपके सामने आ जाता है एंड फॉर्म भरने के बाद गाइस करीना फ्री फायर वेरीफाई कर दी आपका चैनल सही है गलत है क्या कुछ जो भी गाइस उनका प्रोसेस रहता है एंड जैसे ही वो गाइस चीज अब कंफर्म कर लेती है उसके बाद गाइस करीना आपसे कॉन्टेक्ट करती है एंड उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो कि गाइस बाद में पता चल जाएगा। एंड गाइस इतना सा करने के बाद गाइस आपको 7 दिन के भीतर ही वी बैच लग जाता है जिनका गाइस सही रहता है। देखो वी बैच के कुछ फायदे भी है एंड गाइस कुछ नुकसान भी है, जैसे कि वी बैच लगने के बाद आपको कोई सा भी जो भी न्यू इवेंट आएगा वो सब आपको फ्री में मिल जाता है, प्लस गाइस महीने में आपको डायमंड मिलते हैं, कस्टम मिलते हैं एंड पैसे भी मिलते हैं गाइस। अब कितने क्या पैसे मिलते हैं वो गाइस डिपेंड करता है आपके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स के बेस पे, तो गाइस 30,000, 60,000, 1,20,000, 2,00,000 गाइस ऐसे ऐसे गाइस पैसे मिलते हैं अगर गाइस आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स रहते हैं तो महीने में गाइस, तो गाइस काफी अच्छा ही रहता है। बट इसके साथ गाइस कुछ डिसएडवांटेज भी है जो कि आप लोग को पता ही होगा गाइस, आप कुछ तरीके के गाइस टाइटल यूज नहीं कर सकते हो एंड कुछ कंट्रोवर्सियल कंटेंट नहीं डाल सकते हो, हैकर वैकर, तो ये सब गाइस रहता है। बट गाइस ये सब के बाद अगर किसी के अकाउंट में वी बैच लग जाता है उसके बाद गाइस सबसे बड़ी पनौती मुझे नहीं पता ये कैसे क्या होता है, बट हाँ मैंने काफी सारे बंदे में देखा है। तो देखो गाइस सबसे पहला एक चैनल है नूब गेमर बीबीएफ करके गाइस, उसका ना गाइस जैसे ही गाइस मैं चैनल देखा ना तो मैं हैरान हो गया। तो लोग गाइस फ्री फायर के पुराने गाइस प्लेयर हो उनको नूब गेमर बीबीएफ के बारे में अच्छे से ही पता होगा गाइस, पहले नूब गेमर बीबीएफ के चैनल पर 5,00,000, 6,00,000, 1-1 मिलियन तक गाइस हर एक वीडियो में व्यूज आते थे, बट आज गाइस जाके देखोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं गाइस, हजारों में व्यूज आते हैं, काफी कम व्यूज आते हैं जो कि गाइस काफी ज्यादा बेकार है, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बट जब से वी बैच लगा है ना नूब भाई के तब से ही गाइस इनका चैनल ऐसा हो गया। अभी सिर्फ एक बंदा नहीं है, इसके बाद टेक्निकल के इनका भी गाइस जो सब्सक्राइबर्स है वो मिलियन में है, बट गाइस अगर व्यूज देखोगे ना तो इनके भी गाइस हजारों में 10,000, 12,000, 14,000 इससे भी कम कम व्यूज आते हैं। अभी इतना ही नहीं गाइस ऐसे बहुत सारे बंदे, अर्पण भाई है गाइस, अर्पण भाई के भी गाइस मिलियन में सब्सक्राइबर्स है, गाइस जब से इनका वी बैच लगा है तब से इनका व्यूज भी डाउन हो गया है, बट मुझे नहीं पता इसके बाद दे वाला उन भाई इनके भी मिलियन में सब्सक्राइबर्स है बट व्यूज गाइस कम आते हैं। गाइस देखो ये वी बैच ना वी बैच अच्छा भी है और बुरा भी है गाइस, आप लोगों को सिर्फ वी बैच अच्छा ही देखने को मिल रहा है, बट गाइस उसके पीछे की गाइस बहुत सारी ऐसी डार्क सीक्रेट है जो आपको कोई कभी भी नहीं बताएगा। अगर आपको मेरी बात कुछ गलत लग रही है तो आप खुद सोच के देखो इनका चैनल कैसे डेड हुआ, एक टाइम पे ये लोग राज करते थे यूट्यूब पर और अभी गाइस व्यूज इनका कम कैसे,
हुआ। विवेश लगते साथ ही रात रात जादू कैसे चमत्कारी हो सकता है कि चैनल ही गाइस खराब हो जाए, तो कुछ ना कुछ तो गाइस इसके पीछे करके रख लो। गाइस आप लोगों ने कई बार नोटिस किया हुआ कि जो हमारे अज्जू भाई टोटल गेमिंग उनके अकाउंट में विवेश नहीं है, बट वही बात करें लोकेश गेमर और टू साइड गेमर उनके अकाउंट में विवेश है, एज गेमिंग के अकाउंट में भी विवेश नहीं है एंड ज्ञान गेमिंग के अकाउंट में भी विवेश नहीं है। क्या गाइस कभी आप लोगों ने सोचा है कि यार क्यों इनके अकाउंट में विवेश क्यों नहीं है? गरीना फ्री फायर इनको जानबूझ के विवेश नहीं दे रही या फिर गरीना इनसे नाराज है? आप लोग ऐसा कुछ सोचते होंगे मुझे मालूम है, तो गाइस मैं बताता हूँ आप लोगों को। गाइस देखो जो फ्री फायर है, गाइस फ्री फायर की जो मैक्सिमम ऑडियंस है ना वो टोटल गेमिंग और ज्ञान गेमिंग एज गेमिंग ये लोग के पास ही है। एंड अगर कल के दिन फ्री फायर कुछ गलत चीज करती है तो ये लोग गाइस उनको डांट सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि यार तुम लोग ये गलत कर रहे हो, क्योंकि इनके पास काफी सारी फ्री फायर की ऑडियंस है ना गाइस। अगर गाइस इनके आईडी में विवेश लगा हुआ तो गाइस ये लोग गरीना के, फिर गाइस आप समझ जाओ ना कि ये गरीना के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, तो गाइस हमारे फ्री फायर को कौन सुधारेगा? आप एक बार सोच के देखना गाइस, हमारे फ्री फायर को कोई तो सुधारने वाला फिर रहेगा नहीं। सब बड़े बड़े क्रिएटर ही गाइस अगर विवेश लेके बैठ जाए तो गरीना के खिलाफ कौन बोलेगा? अब देखो ऐसा नहीं है कि कोई कभी गलती नहीं करता है, गरीना भी बहुत बार गलती करती है। एंड पास्ट में गरीना ने गाइस ऐसे काफी सारे बड़े बड़े गलती करे है, जिसमें से एक मैं आपको बताता हूँ। गाइस आप गौर करना, कभी भी जब भी फ्री फायर अपडेट पे जाता है उसके बाद गाइस गरीना फ्री फायर में काफी सारी बड़ी बड़ी ग्लिचेस आ जाती है, तो गाइस वही ग्लिचेस अगर कोई गरीना को बताएगा ही नहीं तो कभी सुधरेगा ही नहीं। अगर गाइस सब यूट्यूबर बड़े बड़े गाइस पार्टनर प्रोग्राम पे बैठ जाए तो गाइस गरीना फ्री फायर कहाँ सुधरेगी भाई? वो तो गाइस अपना ही मनमानी करेगी ना, जैसा चाहे वैसा गाइस फ्री फायर को बना देगी। क्या बता अभी 80 रुपए का 100 डायमंड मिलता है, एंड गाइस गरीना अगर अपनी मनमानी करेगी तो गाइस हो सकता है 100 का 100 डायमंड भी कर दे। तो गाइस सही है यार, बड़े बड़े क्रिएटर अभी नहीं है पार्टनर प्रोग्राम में तो ये काफी ज्यादा सही है। आप लोग को क्या लगता है गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि यार ये सही है या गलत है, तो मुझे आप लोग का ओपिनियन देखना है। क्या आप लोग चाहते हो टोटल गेमिंग पार्टनर प्रोग्राम में जाए कि नहीं या ज्ञान गेमिंग जाए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो बस इस वीडियो में इतना से, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा लाइक गेम रखते हैं इस वीडियो में 15,000 लाइक का, 15,000 लाइक गाइस इस वीडियो में कंप्लीट करा दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जो लोग न्यू बंदे हो गाइस वीडियो में इतना से, गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।